एके मिश्रा साहब, ये वाकई में कांग्रेस के लिए ऊर्जा ला रहे हैं नतीजे। ऊर्जा नहीं, पूरी संजीवनी ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हालत ये हो गई थी लगातार, जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन राहुल गांधी के ऊपर लग रहा था। मैं बोलता हूं, अगर ये सरकार नहीं भी बना पाते हैं इन दोनों, हिंदी, राजस्थान और एमपी में, एक मिनट के लिए मान लीजिए, लेकिन इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आना, वोट बैंक, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ना, जो ये एकदम सिमटते जा रहे थे, 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट, इस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई थी। ये अस्तित्व एक विशाल काय जो है, आप ये समझिए कि पार्टी के रूप में खड़ा होता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप कांग्रेस प्लस देखिए, मतलब जो इन लोगों का महागठबंधन बनेगा, अभी तक चैलेंज था। ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या उसके हेड रहेंगे, जो बनेगा हम लोगों का महागठबंधन। इससे राहुल गांधी की दावेदारी एक बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हुई है। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस के वर्कर, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर है, उनका मनोबल और नई ऊर्जा का संचार होगा, और अभी वो 6 महीने तक जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। तो हो सकता है रिजल्ट आगे 2019 में भी बहुत अच्छा आ जाए, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी 2019। उसके पीछे रीजन है, जितने मुद्दे थे, राम रहीम, ये वो, मंदिर मस्जिद, पेट्रोल, इकोनॉमी, विश्व गुरु, सारे मुद्दे तो इन्होंने यूज कर लिए, योगी भी कर लिए, मोदी भी कर लिया। अब रिजल्ट, अगर इतने मुद्दे यूज करने के बाद अगर रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इनका जो मुद्दा है, जो उसके प्रभाव थे, जो उसका मैग्नेटिज्म था, वो लॉस्ट हो रही है, वो खो रही नहीं है। देखिए, अब ये नया मुद्दा क्या लाएंगे? नहीं, ये बात तो कांग्रेस पे भी लागू हो रही है। नहीं, दोनों पे हो मैं रही है, समझना लेकिन कांग्रेस ग्रो कर, नहीं नहीं कांग्रेस की गलतियों के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। नहीं नहीं तो फिर निकले, ये बड़ा निराशाजनक है, ये निराशाजनक है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं है। मैं ये फिर कहता हूँ, क्योंकि तीन राज्यों में तीन एंटी इनकमबेंसी थी, जितना खराब माहौल था लगातार राजस्थान में, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल खत्म ही हो गई भाजपा। उसके बाद कांग्रेस उसको कैश ही नहीं करा पाई, मध्य प्रदेश में भी नहीं करा पाई। तो ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की। वो ये है कि इतना जबरदस्त निगेटिव फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी इतनी सम्मानजनक हार या इतने सम्मानजनक सीटें ये मेंटेन करके रखे हैं। दूसरी और कोई पार्टी होती, ये बीजेपी का पूरा पीएम से लेके बीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर से लेके बूथ मैनेजमेंट तक का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ये उसकी खूबी है कि इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। कोई और पार्टी, देखिए 2014 में कांग्रेस की यही हालत थी, बीजेपी ने ऐसा इनकैश किया कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया पूरे देश से। तो डेफिनेटली बीजेपी के अंदर कुछ इन्होंने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया है, जो मैनेजमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी का, पूरा इन्होंने बदल करके रख दिया है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में। उसी के कारण ये इतना टिके हुए हैं राजस्थान और एमपी में, और अभी भी उनको होप है कि शायद हम सरकार बना ले, नहीं तो ये साफ हो गए होते, मुकेश जी कांग्रेस नहीं कर पाती।